क्या बकवास लगा रखी है कल्याणी, मेजी मुरियल साइट पे तुमने अपना प्रोफाइल बनाया? मैं? हाँ, तुम। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मैंने बनाई प्रोफाइल, और क्या लिखा है प्रोफाइल पे तुमने कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं तुम्हारा भाई लगता हूँ तुम्हें? हाँ, तुम्हें शादी करनी है करो मेरी बला से, लेकिन मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ क्या? कल्याणी का प्रोफाइल मैंने बनाया है भाई, और मैंने तुम्हारा प्रोफाइल बनाया, क्या जबरदस्त प्रोफाइल बनाया। तुमने मल्हार का प्रोफाइल बनाया? इसका मतलब तुमने मेरा प्लान कॉपी किया है? हे भगवान, कैसे हो तुम? मैं अपनी बेटी का घर बसाना चाहती हूँ तो तुमसे देखा नहीं जा रहा ना? हाँ कल्याणी, मैंने तुमसे कहा था ना कि राणे परिवार के मरना सब एक जैसे हैं, किसी की खुशी से देखी नहीं जाती। लेकिन एक बात याद रखना, मैं कल्याणी की आई हूँ। हाँ, मैं इसकी शादी करवा के रहूंगी। अरे मल्हार, एक बार इनसे जरा पूछना कि शादीविवाह.com पे इनका कॉपीराइट है क्या? अरे और कोई प्रोफाइल नहीं बना सकता क्या वहाँ पे? आपने अपनी बेटी की शादी तय की तो मैं अपने भतीजे की भी तो शादी कराऊंगा। और रही बात राणे परिवार के मर्द की, राणे परिवार के मर्द कैसे तुम जानती भी हो? मैं तेरे लिए कितनी लड़कियों की लाइन लगाऊंगा। अरे मर्दों की बात छोड़ो, तुम्हारी बेटी की शादी होगी तो मेरे भतीजे की भी शादी होगी। सेफ्टी के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम ज्यादा से ज्यादा वक्त घर पर बिताया करो। पूजा पे तो गुस्सा आ ही रहा है मुझे, लेकिन उससे ज्यादा मुझे सुहाना की फिक्र हो रही है। ये आवाज, ये कैसी आवाज है? कल्याणी, अरे कल्याणी को छोड़। तू तेरे लिए इतनी अच्छी लड़की ढूंढी है मैंने। सुहाना, तुम ये सब छोड़, चलो तुम चलो मेरे साथ, चलो। मल्हार जी भी ना, मैं कुछ कहती नहीं हूँ ना, तो मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते मल्हार जी ना। अच्छा, तो बहुत उतावले हो रहे हैं ना आप शादी करने के लिए? क्या क्या बोल क्या रहे हैं आप? हाँ, जोर से बोलिए। और ये आंखें क्यों छुपा रहे हैं मुझसे? हाँ, शादी करना चाहते ना, शादी करना चाहते ना? ये तो ना मैं, ये पकड़ो, ये पकड़ो, आपको तो ना मैं। सोशल डिस्टेंसिंग। अच्छा, हाँ, ऑफिस में बैठे बैठे बोर हो गया हो ना, इसलिए घोड़ी में बैठूंगा। अच्छा, वो तो अच्छा हुआ कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, वरना फिर वरना आपको मार मार के ना आपकी भुर्जी बना देती मैं। भुर्जी? ठीक है, असली में तो बना नहीं पाती हूँ, मेरी क्या बनाओगी। ठीक है, जाइए, शादी करने का शौक है ना, शौक से करिए शादी। मैं भी मेरी आई को बोल देती हूँ कि जो भी पहला रिश्ता है ना उसे एक्सेप्ट कर लेना। हमने कुछ ज्यादा तो नहीं किया ना? पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है, अगर मल्हार इस रिश्ते के लिए मान गया ना तो कल्याणी भी जिद में आकर शादी के लिए तैयार हो जाएगी, और फिर तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा आगे का सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे। अरे आओ साहब। हाँ साहब। अच्छा, कामगारों के लिए 2 महीने का राशन भर दिया आपने, ये तो बहुत अच्छी बात है साहब, अब तो फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कल्याणी और मल्हार, हाँ हाँ, तरकीब काम आ रही है, पता नहीं क्यों साहब। नहीं नहीं, हाँ हाँ, सब ठीक हो जाएगा। आपको क्या लगता है सिर्फ आपको ही ऑफर्स आएंगे? अरे आपसे ज्यादा ऑफर्स ना मुझे आएंगे। अब मैं हूँ इतनी क्यूट, इतनी प्रिटी, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी इंटेलिजेंट, और आप? अरे आपकी तो हाइट। मेरी हाइट के बारे में दोबारा कुछ मत बोलना, खबरदार। क्या कर लेंगे आप? क्या, क्या? बोलूंगी मैं आपकी हाइट के बारे में भी बोलूंगी, आपके एक अंधे से बाल के बारे में भी बोलूंगी, और ये जो धूप में घूम घूम के आपकी स्किन काली हो गई है उसका क्या? और ये हाथ इतने ड्राई। ड्राई है तो है, अब काला हूँ तो हूँ, ऐसे ही हूँ ना, बस इसको मॉइस्चराइज कर देंगे, उसमें क्या है अभी। हाँ, जाइए। ये क्या बात हुई? मॉइस्चराइज करिए। मॉइस्चराइजर लगाएंगे आप? अरे मल्हार जी, क्या लगा दिया आपने? कल्याणी, ये क्या है ये? अरे ये चिपकने वाला ग्लू था मॉइस्चराइजर में, फर्क भी नहीं पता क्या आपको? कल्याणी, श्रृंगार में इस पर लू रखता है कोई? कल्याणी, कल्याणी मेरी मदद, कल्याणी, ये
तुम्हें हंसी आ रही है? ये मजाक की बात है? ये मेरा हाथ छुड़वाओ, मेरा हाथ छुड़वाओ कल्याण। कमिश्नर साहब का फोन आ रहा है, मदद करो मेरी जल्दी से। कल्याणी जल्दी मदद करो, कमिश्नर साहब का फोन आ रहा है। आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं? रिक्वेस्ट है, प्लीज फोन उठाओ मेरा। कल्याणी प्लीज। सिर्फ प्लीज भी नहीं चलेगा, आप बोलिए कि कल्याणी यू आर द बेस्ट। यू आर द बेस्ट कल्याणी, प्लीज जल्दी से। अरे ये मोमेंट में कैसे कैप्चर नहीं कर सकती? सुनो कैमरा, अरे देखो दोबारा देखो, मेरी नौकरी चली जाएगी कमिश्नर। मल्ला जी देखो, मल्ला जी देखिए, फिर से बोलिए आई एम द बेस्ट। बोलिए कल्याणी देखो मेरा फोन। अरे फिर से बोलिए। अरे देखो कल्याणी मेरी नौकरी चली जाएगी, तुम क्या कर रही हो? ये कल्याणी मेरी नौकरी चली जाएगी, देखो। पूजा पे तो गुस्सा आ ही रहा है मुझे। ये क्या प्ले हो गया? लेकिन उससे ज्यादा मुझे सुहाना की फिक्र हो रही है। आजकल ईमानदार नौकर मिलना कितना मुश्किल हो गया है। हाँ ये रहा वीडियो। मलार जी जब आप ऐसे परेशान होते ना तो बहुत क्यूट लगते हैं सच्ची मलार जी। अरे सुना जरा, तुम्हें कार्टून फिल्म देखनी है? ये देखो कार्टून फिल्म। अपनी बकवास करती रहो, ये नहीं कि मेरी मदद करो। अच्छा अच्छा ठीक है, करेंगे ना हेल्प, करेंगे ना हेल्प। बच्चों के सामने भी मेरा मजाक उड़वा लो तुम, है ना? हाँ अब सुहाना मेरे लिए प्लीज ऑयल लाओगी? चलिए। इतनी देर चुप थी ना तो शांति थी करनी। वाह मल्हार जी वाह, आप सच में बहुत अलग है। पता है आपको, मुझे लगा था कि अभी मैंने आपके हाथ से ग्लू निकाला है, आपके हाथ धुलवाए तो आप मुझे थैंक यू बोलेंगे, लेकिन नहीं, मैं ही बेवकूफ हूँ ना जो आपसे इतनी एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ।
बस करना अब बिल्लू, जल्दी से ठीक हो जा। फिर तू और मैं माँ बेटी की टीम मिल कर ना मल्हार जी को एकदम एकदम वीक बना देंगे, उन्हें हमारी हर बात माननी पड़ेगी फिर। अरे सो, अरे हाँ देखो मैं भी ना, मैं तो भूली गई कि मुझे तुम लोग को तुम्हारी बर्थडे पार्टी का वीडियो भेजना था, कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ ना मैं। कल्याणी का मेल, स्वाना के बर्थडे वीडियो भेजे होंगे, साथ में दो वीडियो और कौन से? कल्याणी देखो ये मल्हार का वीडियो मुझे क्यों भेजा? इतने पुराने नौकर भी छोड़ निकल सकते हैं कल्याणी? स्वाना की सेफ्टी के लिए मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वक्त घर पे बिताया करो। पूजा पे तो गुस्सा आ ही रहा है मुझे, लेकिन उससे ज्यादा मुझे स्वाना की फिक्र हो रही है। आजकल ईमानदार नौकर मिलना कितना मुश्किल हो गया। मेरा वीडियो ये किसने रिकॉर्ड किया? ये लाइट चलो अपना मास्क पहन लो, क्योंकि आज हम बाहर घूमने जाने वाले हैं। क्योंकि मैं घर में बैठे बैठे ना आप सच में बहुत ज्यादा बोर हो चुकी हूँ, अब मैं और घर में नहीं रह सकती, इसलिए हम आज बाहर जाएंगे तैयार होकर। कहाँ जा रही हो? कुछ कहा आपने? कहाँ जा रही हैं आप ऐसे तैयार होके कल्याणी देवी? कचरा फेंकने। ऐसे तैयार होके कचरा फेंकने? क्या बात है। क्या करूं मल्हार जी, 3 महीने से लॉकडाउन की वजह से मुझे तैयार होने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए बस मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि आज से मुझे जो भी काम करना होगा ना घर का, मैं अच्छे से तैयार होकर करूंगी। तो कभी कचरा फेंकने के लिए मैंने ये वाली ड्रेस सिलेक्ट की और मैंने ये वाली ड्रेस पहन ली। अब मुझे ना किचन साफ करने जाना है, इसके बाद उसके लिए भी मैंने अलग से एक ड्रेस सिलेक्ट करके रखी है। लेट मी गेस, पर्पल कलर की। तारीफ तो करते नहीं आप, बस हाथ रे लोग। कैसा लगा आपको सुहाना का बर्थडे पार्टी का वीडियो? हाँ कल्याणी, वीडियोस बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, उन्होंने मुझे उसके साथ 2 और वीडियोस भेजे हैं, एक में जिसमें मल्हार के हाथ चिपके हुए हैं और क्या? मैंने आपको गलती से वो वीडियो भेजा जिसमें मल्हार जी के हाथ चिपके हुए थे। अच्छा त्रिलोक, देखिए आप प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दीजिए। हाँ कल्याणी, लेकिन उसके अलावा भी एक और वीडियो है जो तुमने मुझे भेजा है। अरे आप पापा पे दूसरा वीडियो छोड़े, आप बस मुझे इतना प्रॉमिस करें कि आप ना ये वाला वीडियो डिलीट कर देंगे प्लीज। हाँ हेलो, जैसे मैंने पूजा के बारे में बात की थी उसमें वो लाइट क्यों चली थी? स्ट्रेंज।
इसका मतलब मुझ पे लाइट डिटेक्टर टेस्ट किया गया है और मेरे झूठ का सबूत उस हैंडी कैम में रिकॉर्ड है। अगर कल्याणी और मल्हार ने मुझे इस बारे में कुछ पूछा क्यों नहीं, मतलब उन्होंने वीडियो अब तक देखा नहीं। मुझे कुछ भी करके उस हैंडी कैम से वीडियो डिलीट करना पड़ेगा। क्या बचपन आए, अब पूरे गांव में मेरा मजाक भी उड़वाओगी? कहाँ है वो वीडियो? लाओ। नहीं, नहीं। हैंडीकैम कहाँ है? मुझे तो मैं डिलीट करूंगा। कहाँ है वो हैंडीकैम? वो गलती से मैंने त्रिलोक को मेल किया। हाँ तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, लाओ दोनों वीडियो, मैं डिलीट करूंगा। वो किधर है? मेल किया था। कौन से? ये लो। कर दिया मैंने तुम्हारा मेल डिलीट। ना तुम किसी को मेल करोगी और ना ही तुम्हारे मेल पर रहेगा। हद होती है कल्याणी, हद। बचपना खत्म ही नहीं हो रहा है तुम्हारा। मल्हार जी देखिए प्लीज चलाइए मत, धीरे डाकिए, पिल्लू जाग जाएगा। आपको ऐसे मुझ पे चिल्लाते हुए देखेगा तो सैड हो जाएगा, उसकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। एक बात ना कान खोल के समझ लो, मैं तुम्हें ना मोक्ष की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ और उस त्रिलोक को तुम्हारी वजह से। आया समझ में? एक बात ना आप भी समझ लीजिए मल्हार जी, इस वक्त हमारे पिल्लू को त्रिलोक की जरूरत है, इसलिए बार 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 उस पर शक करना बंद कर दीजिए। ये मैं आपको आखिरी बार बोल रही हूँ। और रही बात, अरे ऐसा तोहफा भी कोई लाता है क्या अपने बीवी के लिए? लाना ही चाहते थे तो अच्छी चीज लेकर आते ना। अरे आओ मल्हार, पहली बार कुछ लेकर आए तो ये देखो, देखो क्या लेकर आए। सच कह रहे हैं, गलती मेरी है जो तुम्हारी बातों में आके मैंने इन्हें तोहफा गिफ्ट किया। देखो ना, ना इन्हें तोहफे की कदर है और ना मेरी। कल्याणी तुम देखो, कल्याणी देखो, देखो क्या लेकर आए मेरे लिए। हाँ क्या बुराई है इसमें? तोहफा लाना ही था तो कोई अच्छी चीज लाते ना, कोई नाइटी लेकर आता है क्या? ऐसी नाइटी कोई लेकर आता है क्या? जानती हो कितनी महंगी नाइटी है ये? सच ये है कि तुम्हें ये अच्छी महंगी नाइटी जच ही नहीं सकती। काका इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात? गुस्सा होने वाली क्या बात? वैसे आई पता है, तुम ना बिल्कुल सही कह रही हो, ये जो राणे परिवार के मर्द है ना, ये सबके सब ऐसे ही हैं। मियादी मल्हार जी ने मुझे मेरी जिंदगी का पहला तोहफा क्या दिया था? टैल्कम पाउडर, घुमोरियो वाला पाउडर। हाँ याद है मुझे। कल्याणी ये कौन सा वक्त है ये बात करने का? लेकिन आई एक बात कहूं सच्ची, गिफ्ट मैटर नहीं करता है, इंसान की फीलिंग्स और जेस्चर मैटर करता है। जैसे मुझे अभी तक याद है वो घमोरियो वाला पाउडर मल्हार जी ने मुझे इतने प्यार से दिया था, इतनी क्यूटली दिया था कि पता है मैंने वो अभी तक संभाल के रखा है। सच में कल्याणी तुमने वो अभी तक नहीं फेंका क्या? मल्हार जी वो आपका मुझे दिया हुआ पहला तोहफा है, ऐसे कैसे फेंक दूं? वो तो हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेगा। अच्छा अब तुम ही रही हो तो फिर रख लेती हूँ। रख लूंगी। मल्हार वो प्रोफाइल बनाई थी ना, तो एक लड़की का रिश्ता है, बहुत अच्छी लड़की है। वैसे मल्हार जी देखिए ना, आपको मैं बता दूं कि जो हैंडीकैम वाला वीडियो है ना आपके हाथ चिपकने वाला, वो आपने मेल से डिलीट कर दिया, फोन से डिलीट कर दिया, लेकिन डेटा कार्ड में अब भी है। आप कहे तो वायरल कर दूं। अब सोशल मीडिया पे मेरे फॉलोअर्स कितने आप तो जानती हैं काका, है ना? बहुत फेमस है सब। बहुत हंसी आ रही काका, वो जो लड़की है मैं उससे मिलना पसंद करूंगा। बहुत शौक है ना लड़कियों से मिलने का, मैं सारा शौक पूरा करती हूँ आपका मल्हार जी।